अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, ये स्थानिक आगरी कोली महिलाएं हैं और मच्छी व्यवसाय करती हैं, मच्छी मार महिलाएं हैं। इन महिलाओं को काफ़ी तकलीफ है अपने व्यवसाय में, पिछले दिनों आनी शुरू हुई है। वसई की रहने वाली महिलाएँ कई सालों से डोंबिवली जाकर अपना मच्छी विक्रय का काम करती है। पूरी रात जागना, सुबह लेकर माल लेकर जाना, काफ़ी मशक्क़त का काम है, लेकिन फिर भी इस काम में भी उनको तकलीफ हो रही है। वहाँ पर डोंबिवली में वहाँ की कोई स्थानीय महिला है, वो उनको काफ़ी परेशान कर रही है। उसी सिलसिले में इन महिलाओं के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मैडम है, ये इन महिलाओं को लेकर राजेंद्र कावित खासदार जो है उनके पास आई थी और उनसे चर्चा की। राजेंद्र कावित ने भी हमारे सामने अभी थाने की जॉइंट CP से बात की और इस मार पूरी जो इनकी परेशानी उस का हल निकालने का पूरा प्रयास जारी है। तो जानना चाहेंगे क्या इनकी परेशानी है और क्या उनका कहना है। मैडम आपका नाम? मेरा नाम अभिलाषा वर्तक है। मैडम आप सब इन महिलाओं को ले गया है जो कि मच्छीमार महिलाएं हैं, क्या इनकी परेशानी? देखिए कैसे कि मेरे जो महिला है ये किला वसई किले में रहते हैं, आधे पाशुबंदर में रहते हैं और गए 25 साल से 30 साल से ये लोग डोंबिवली मच्छी बेचने जाते हैं। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि इतने साल से ये लोग मच्छी बेचने जा रहे हैं, बट अचानक अगस्त महीने से वहाँ के जो लेडीज़ हैं जो मच्छी बेच रहे हैं वो लोग इनको तकलीफ देने लगे। वो लोगों का कहना यह है कि आप लोग वसई से आ रहे हैं तो आप लोग डोंबिवली आना ही नहीं है। फिर उनके जो मच्छी के जो पार्टी होती है उसके अंदर फिनेल डालना, केरोसिन डालना या उनके मच्छी लेके बाहर फेंक देना, यही चल रहा है। ऊपर जाके जो हमारे सीनियर सिटीजन्स महिला है उनको कान के नीचे बजाना, उनके बाल खींचना, उनको मारना, उनको गाली देना, ये चल रहा है। हमारी महिला 3 महीने से कोई कोई डर के मारे मच्छी बेचने भी नहीं जा रहे। तो आप मुझे बताएं कि ये लोग पेट कैसे संभालें, पेट कैसे भरे ये लोग। तो इसके लिए कानून क्या कहता है कि कोई भी इंसान कहीं पर भी जाके कमा सकता है। अगर ये कानून है प्लस ये 25 साल से 20 साल से अगर आप एक जगह पे जाते हो तो कानून बोलता है कि कोई उनको हटा नहीं सकता। अच्छा, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर से वो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के बाद भी वहाँ के जो महिला है, वहाँ के जो पुरुष है, ये दादागिरी कर रहे हैं। एक पुरुष एक दादी माँ पे हाथ उठाना ये कितना है? 10 NC गए हैं, 10 NC जाने के बाद भी वो लोग यही बोलते हैं कि अगर आपका टेम्पो आया तो हम टेम्पो को जला देंगे। आप अभी अपने सांसद राजेंद्र कावित साहब के पास आए, यहाँ क्या चर्चा हुई और इसका क्या हल निकला? अभी यहाँ पर हम लोग आए, हमने गावित सर को कल मैसेज भी किया था कि वसी की जो हमारे महिला है ये बहुत परेशान है, तो कृपया करके आप इस पर ध्यान देना। और आज हम लोग गावित सर को मिलने आए और गावित सर ने हमारे सामने वहाँ पर डोंबिवली के जो जॉइंट ऑफिसर थे उनसे बात की और उनको ये बताया कि दोनों पक्ष की महिला यानी हमारे महिला और उनके महिला सामने सामने बैठ के जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, ये म्यूचुअली हम लोग सॉल्व करें। तो ये हम बात कर रहे थे अभिलाषा वर्तक जी से और इन्होंने किस तरह से पूरी इनकी क्या परेशानी उसके बारे में बताया। जैसा कि मैंने अभी आगे कहा, इन्होंने सांसद राजेंद्र गावित से मुलाकात की और राजेंद्र गावित ने भी जो चर्चा हुई उनकी उस बारे में हमारे चैनल पर अपना ऑफिशियल बयान दिया है, वो सुनिए आप आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। कड़ी महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याला म्हणजे सिंधुदुर्गपासून तर झाई बोर्डीपर्यंत एक 700-750 आपलं याचं किलोमीटरच्या त्या ठिकाणी समुद्र किनारा लाभलेला आहे। त्याच्यातलं एक पालघर जे आहे, म्हणजे पालघर जिल्ह्यामध्ये आणि ठाणे जिल्ह्यामधले अनेक महिला ह्या मत्स्य विकण्यासाठी त्या ठिकाणी व्यवसाय करत आहेत। ह्या भूमिपुत्र आहे, स्थानिक आहे, परंतु अनेक ठिकाणी एकमेकांमध्ये संघर्ष होतो। आता बाहेरची व्यक्ती ज्या ठिकाणी मच्छी विकते आहे बरं का, त्याला त्या ठिकाणी अलाव केलं जातं बरं का, त्याला प्रोत्साहित केलं जातं, पण हा ज्या स्थानिक महिला ज्या आहे त्या ठिकाणी डोंबिवली असेल, कल्याण असेल किंवा ठाणा असेल किंवा वसई विरारच्या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी जर मच्छी व्यवसायासाठी जर बसत असतील आणि त्या ठिकाणी जर काही म्हणजे आपले कंटक असतील किंवा काही महिला त्या ठिकाणी किंवा काही तिथले स्थानिक लोक जर त्यांना विरोध करत असतील असं, तर हे खरं म्हणजे काय की इथल्या स्थानिक महिलांना त्यांनी त्यांचा तो हक्क आहे, त्याचा पारंपरिक असलेला जो मत्स्य व्यवसाय जो आहे तो त्या ठिकाणी त्यांचा हक्काचा आहे आणि त्या ठिकाणी कुठेही त्या ठिकाणी व्यवसाय करू शकतात, त्यांचा अधिकार आहे। पण जर कोण त्याला त्या ठिकाणी आळकाटा घालत असेल बरं का, त्याने की वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी व्यवसाय करत आहे आणि कोणीतरी आता येतं आणि चुकीच्या पद्धतीने
एक समज गैरसमजातून त्या ठिकाणी परिस्थिती निर्माण होते आणि त्या ठिकाणी त्यांना मच्छीचे टोपले फेकणं त्या ठिकाणी केरोसिन टोपलीमध्ये टाकणं काहीतरी अशा पद्धतीने वेगवेगळे प्रकार करून त्यांना त्या ठिकाणी त्या धंद्यापासून परावृत्त करण्याचा जो कोण प्रयत्न करत आहे निश्चितच संबंधितांना कारवाई करावी अशा प्रकारे त्या ठिकाणी ठाण्याचे जॉईंट सीपी दत्ता शिंदेसाहेब त्यांनाही त्या ठिकाणी रिक्वेस्ट करण्यात आलेली आहे आणि या ठिकाणी अभिलाषा वर्तक जी आहे की त्या सुद्धा या महिलांना एक चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी ते मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु या महिलांचं प्रतिनिधित्व म्हणून या भागाच्या खासदार म्हणून माझी नैतिक जबाबदारी आहे की या महिलांना त्या ठिकाणी त्यांना प्रोटेक्ट करणं त्यांना संरक्षण करणं. सर्वांमध्ये एक या ठिकाणी आपण खासदार झाल्यापासून या वसईविरार महानगरपालिका क्षेत्रातील कमिशनरबरोबर अनेकदा बैठका झाल्या परंतु या ठिकाणी ज्या पद्धतीने एक संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी हे उभं करायला पाहिजे खरं म्हणजे गेल्या 30-35 वर्षापासून जे सत्ताधारी म्हणून काम करतात त्यांनी खऱ्या अर्थाने या वाढणारी शहरांची लोकसंख्या वाहतुकीच्या समस्येच्या संदर्भातलं असेल या भागातले जे आमचे मच्छीमार भगिनी असतील किंवा मच्छीमार समाज जो आहे त्यांनी या ठिकाणी पारंपरिकरित्या आपल्याच दुसरीकडे न जाता या ठिकाणी आपल्याच ठिकाणी कशा पद्धतीने त्यांना व्यवसाय करता येईल आणि या संदर्भात एक मोठं मार्केट त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने तुकडं करून त्या ठिकाणी मच्छी मार्केट बनला तर ते मच्छी मार्केटही आता त्या ठिकाणी म्हणजे हॉस्पिटल्स झाले अर्थात चांगली गोष्ट आहे ती. परंतु मच्छीमारांच्यासाठी असलेले जे आपलं मच्छी मार्केट त्या ठिकाणी स्वतंत्ररित्या असायला पाहिजे त्या संदर्भामध्ये आपण केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांशी त्या ठिकाणी डिस्कशन झालं त्यांच्याबरोबर आम्ही त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी केलेली आहे आणि या भागामध्ये मच्छीमारांसाठी एक मोठं मच्छी मार्केट ज्याचा आता शेतकऱ्यांसाठी आपण एक स्वतंत्र त्या ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आपण त्यांना भाजीपाला असेल किंवा त्यांचे जे अन्नधान्य पिकवतात त्यांना याच ठिकाणी त्याच्या कशा पद्धतीने मार्केटिंग करता येईल आणि म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीबरोबर या ठिकाणी मच्छीमार बांधवांसाठी त्या त्या एरियामध्ये अशा पद्धतीने मच्छी मार्केट कसं बांधता येईल यासाठी केंद्रीय मंत्री आदरणीय रुपाला साहेब त्या रुपाला साहेबांना त्या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एक स्वतंत्र असं या ठिकाणी मच्छी मार्केट करण्याचा आपला प्रयास आहे. गुगल पे बार कोड को स्कॅन कर गुगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं. धन्यवाद. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.